बराड़ा के हनुमान कॉलोनी की कोरोना से पॉजिटिव मिली 9 साल की बच्ची के पिता की भी रिपोर्ट कोरोना से पॉजिटिव निकली। बच्चे छोटी होने के कारण पिता को इलाज के दौरान साथ रहने की अनुमति दे दी थी। अब 9 साल की बच्ची के पिता अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इलाज के दौरान लड़की का पिता उसके साथ अस्पताल में था। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट। सर, बराड़ा में कितने मामले हैं कोरोना पॉजिटिव? बराड़ा में अब तक हमारे पास 3 केस हैं अभी हमारे पास, जिनमें से 2 केस हनुमान कॉलोनी के हैं। एक 9 साल की बच्ची थी जो पहले 4-5 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। उसके साथ फिर उसका फादर था, जो उसका हमने वहाँ जाने से पहले सैंपल लिया था, लेकिन उसका सैंपल नेगेटिव आया था यहाँ पर। उसके बाद उसकी गुड़िया जो है ना पुलिस में एडमिट हुई थी, उसका फादर उसके साथ रह रहा था। छोटी बच्ची थी, अकेली रह नहीं सकती थी, इसलिए फैमिली का एक मेम्बर साथ अलाउड है। तो वहाँ जाकर हो सकता है वहाँ मरीज हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने से वो पॉजिटिव आ गया होगा। शायद आज ही पता लगा कि कौन पॉजिटिव आई है, लड़की के फादर की। 2 केस ये है और 1 केस उगाड़ा का है, जो कि कुवैत से आया था, किसी कतर से आया था थोड़े दिन पहले। अम्बाला उनको क्वारंटाइन किया गया था, वहाँ उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनका इलाज जो है में चल रहा है। इससे पहले एक डेरा सलीमपुर का युवक था, उसका इलाज करवा के ठीक होकर वो घर जा चुका। सर, कोविड-19 हॉस्पिटल में अब कितने पॉजिटिव मरीज हैं और कितने ठीक होकर चले गए? वहाँ के प्रशासन से मैंने बात करी है, अभी 109 मरीज टोटल है वहाँ पर टोटल फिलहाल, जिनमें यमुनानगर और पंचकूला का कोई भी मरीज नहीं है। करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिला के तीनों मिला के 109 मरीज अब तक वहाँ पर हैं। तो सर, ठीक हो कितने चले गए वहाँ से, इसके बारे में मेरे पास अभी इतना सूचना नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कन्फर्म करके बता। तो सर, जिन जगह ये मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, उस जगह को सील कर दिया गया है? हाँ, हमने कंटेनमेंट जोन बना दी गई है और कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी, यूज का कैंप हमने आज वहाँ पर लगाया है और उसके आसपास के जितने लोग थे, घर के भी थे और मेंबर, उनके हमने टेस्ट करवाए थे और बाकी सारे के सारे वो नेगेटिव आए।